नैस्टेक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी इन्फोसिस। देश की बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार इन्फोसिस 1999 में आज ही अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्टेक में सूचीबद्ध हुई थी। यह नैस्टेक में ट्रेडिंग करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। नारायण मूर्ति ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर 1981 में पुणे में इन्फोसिस की स्थापना की थी। अमेरिकी आविष्कारक को एक ही दिन में मिल गए थे 4 पेटेंट। 1791 में आज ही अमेरिका के पेटेंट इतिहास में पहली बार किसी को एक से ज़्यादा पेटेंट मिला था। फिलाडेल्फिया के सैमुअल मुलिकेन को पहला पेटेंट अनाज की थ्रेशिंग मशीन के लिए मिला था। यह अमेरिकी इतिहास का 7वां पेटेंट था। शाम होते होते उन्हें 3 और पेटेंट द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। मेघदूत का पहला बंगाली अनुवाद। महान बांग्ला कवि द्विजेंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1840 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में कालिदास की मेघदूत का बांग्ला अनुवाद कर दिया था। इसमें उन्होंने 2 विशेष लय का प्रयोग किया था। 1875 में स्वप्न प्रयाण काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इसे बांग्ला काव्य का पथ प्रदर्शक माना जाता है। वह दार्शनिक एवं गणितज्ञ भी थे। ज्यामिति के सिद्धांतों पर उल्लेखनीय पुस्तक लिखी थी। बंगाली में शॉर्ट हैंड की शुरुआत भी की थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उन्हीं के सबसे छोटे भाई थे।